हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं वेज हांडी या वेज दीवानी हांडी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम फूलगोभी, उसके अलावा दो आलू, दो शिमला मिर्च, एक गाजर, एक बड़ा प्याज है, एक कटोरी हरे मटर के दाने हैं, और ये है एक प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और हरा धनिया। मैं प्याज का, हरी मिर्च का अलग से पेस्ट बना लूँगी और टमाटर का अलग से पेस्ट बना लूँगी। उसके अलावा ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने काजू और मगज का इस्तेमाल किया है। इनको मैं आधा घंटा भिगो के एक स्पून जीरा डाल के मैं इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। 150 ग्राम पनीर है, हल्दी, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कस्तूरी मेथी, धनिया पाउडर, नमक और कुछ खड़े मसाले। उसके अलावा ये है तेल। अभी मैंने पैन रख के इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है फूलगोभी। फूलगोभी को मैं अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे 50% तक के फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। अब मैं इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ओनली 50% ही फ्राई करना है। अब मैंने सेम उसी पैन में आलू डाला है, आलू को भी सेम उसी तरीके से 50% तक के हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। हमें सिर्फ 50% फ्राई करना है, बाकी का हम लोग ग्रेवी में पका लेंगे। अब आलू भी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए, मैं इन्हें भी निकाल रही हूँ। निकाल के अब सेम इसी पैन में मैं डाल रही हूँ गाजर। अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और ऑयल डाल लेना। मैंने गाजर डाला है, गाजर डाल के जैसे ये थोड़ा सा भुन गया उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज। यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स को शेलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो या बॉईल करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बॉईल भी करोगे तो 50% ही बॉईल करना है। मैं रेस्टोरेंट स्टाइल वेज हांडी बना रही हूँ इसलिए मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे ऑयल अगर आपको ऐसा लग रहा है कम है तो आप थोड़ा सा और ऑयल डाल लेना। अब ये भी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मतलब 50% तक के हो गए हैं। मैं इनको भी निकाल ले रही हूँ। निकाल के अब सेम इसी पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा और ऑयल, अराउंड ये भी 2 टेबलस्पून है। डाल के मैंने इसमें डाला है तेजपत्ता और खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने 2 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, दालचीनी और 2-3 लौंग का इस्तेमाल किया है। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर मैं इनको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया था, उसको मैंने इसमें डाला है। अब इनको कच्चा बन जाते तक मीडियम हाई फ्लेम पे हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। ये भी अभी ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले। सबसे पहले मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, भुन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू, मगज और जीरा का पेस्ट डाल के मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। अब मिक्सी के जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा था तो मैंने उसमें 2-3 टेबलस्पून जितना पानी डाल के उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। डाल के अब हम लोग इसको एकदम अच्छे से भून लेते हैं। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, एकदम रेस्टोरेंट में जो हम लोग सब्जी खाते हैं इसका फ्लेवर भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब ये काफ़ी अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, 1/2 कटोरी दही है। दही डाल के हमें लगातार अच्छे से इसको मिक्स करना है, अदरवाइज दही फट जाएगा। अब मैं इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये सब्जी आप रोटी, चावल, नान, पराठा किसी के भी साथ खाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी। मैं आधा कस्तूरी मेथी अभी डाल रही हूँ और आधा मैं बाद में डालूँगी। डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रखी हूँ। ये दूध के ऊपर से जो हम लोग मलाई निकालते हैं वो है। आप चाहो तो मार्केट से जो खरीद के लाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। अब मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है, इसमें जो पानी था, मॉइस्चर था, वो भी निकल गया है और साइड से थोड़ा सा तेल भी छूट रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल्स जिसको हमने शेलो फ्राई करके रख लिया था। डालकर अभी मैं इसमें मटर भी डालूंगी। मटर को मैंने फ्राई नहीं किया था, ये फ्रोजन मटर है, इनको मैंने बॉयल वाटर में डाल के जस्ट निकाल लिया है। अगर आप फ्रेश मटर भी डालोगे तो भी उन्हें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे वेजिटेबल में डाल के हम उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब
वेजिटेबल और मसाले को अच्छे से ऊपर नीचे पलटते हुए मिक्स करना है ताकि सारा मसाला और वेजिटेबल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये मिक्स हो गया है, मैं इसे ढक कर 2-3 मिनट तक पकने दूंगी। 2-3 मिनट बाद ये काफ़ी अच्छे से पका है, मैंने धीमी आंच पे इसे 2-3 मिनट तक के पकाया था। अब मैं इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी आप उतना ही डालना जितना आपको ग्रेवी मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, पतली या गाढ़ी। वैसे तो ये सब्जी ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी अच्छी लगती है ना ही बहुत ज़्यादा पतली अच्छी लगती है, मीडियम कंसिस्टेंसी की ही अच्छी लगती है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसे ढक कर 4-5 मिनट या जब तक कि हमारे पूरे वेजिटेबल्स पक नहीं जाते हैं तब तक हम इसे पका लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसे ढक के पकने के लिए रख दे रही हूँ। मैंने इसे मीडियम हाई फ्लेम पे 4 मिनट तक के पकने दिया है। 4 मिनट में सब्जी ऑलमोस्ट पक के रेडी है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पनीर। पनीर मैं डायरेक्टली ऐसे ही डाल रही हूँ, आप चाहो तो पनीर फ्राई कर भी डाल सकते हो, और वैसे भी ये सब्जी में पनीर कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। अभी मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके फिर से मैं इसे ढक के 2 मिनट तक की मीडियम हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। 2 मिनट में हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। अभी मैंने इसे ढक दिया है, 2 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, हमारी सब्जी एकदम अच्छे से बनके रेडी है। अब मैं इसके ऊपर बाकी बचा हुआ कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल रही हूँ। डाल के एक बार और अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसके ऊपर डालूंगी बारीक कटा हरा धनिया। हरा धनिया डाल के उसके बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये सब्जी अभी थोड़ी सी पतली लग रही है पर ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। अभी मैंने गैस के ऊपर से उतार के 3 मिनट बाद ढक्कन निकाला है। आप देख सकते सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब इसको मैं निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। सर्विंग बाउल में निकाल कर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और फ्रेश क्रीम। बस हमारी बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी वेज हांडी या वेज दीवानी हांडी बनके रेडी है। अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।